चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स पढ़ना, जो कि पिछले दिन हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक दिया जाए परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति। यानी कि जो टॉपिक्स है वो हमेशा लंबवत रहने वाला है, यानी कि परपेंडिकुलर रहने वाला है। कौन कौन सा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। मान लिया कि ये विद्युत क्षेत्र है एक तरफ, जिसको ई से सूचित करते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं, और दोनों कैसा है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर रहेगा तब अगर आवेशित कण को गति कराया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? हालांकि हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि अगर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, विद्युतीय क्षेत्र भी रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा, और उस टाइम अगर आवेश को गति कराया जाए तब हमें कितना फोर्स प्राप्त होगा, कितना बल प्राप्त होगा, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। परंतु इस बार भी दोनों है, विद्युत क्षेत्र भी है चुंबकीय क्षेत्र भी है, लेकिन कैसे है याद रखा जाए, दोनों लंबवत है। अगर दोनों लंबवत रहेगा, विद्युत क्षेत्र भी लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत रहेगा, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, तब हमें कुल बल, सॉरी गति कितना होगा जब आवेश को प्रवाहित किया जाए, यानी कि आवेश को दौड़ाया जाए, किस स्थिति में? जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर है, दोनों लंबवत है। तो चलिए हम लोग कुछ इसमें फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या है। चलिए तो देखते हैं फिगर। ये जो टॉपिक लिखे हैं इसमें कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कोई एरो में लिखना नहीं है, बस अब ते फिगर जो बनाया है उसको समझना है। चलिए आइए देखते हैं आपके सामने फिगर जो है। अब इस फिगर को समझेंगे और इसी से ये फिगर बनाया है। अगर ये फिगर समझ जाएंगे तो ये ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डॉट जो है, ये बिंदु बिंदु जो है, ये बता रहा है आपको क्या? ये बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र को, यानी कि ये जो है वो क्या है? तो बी वेक्टर। बी वेक्टर का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो एरो दिया हुआ है ये क्या है? तो ई वेक्टर, मतलब विद्युतीय क्षेत्र। यानी कि ये बोला जा रहा है कि एक तरफ देख पा रहे होंगे, चूंकि जेड एक्सिस है, यानी कि ये डॉट जो है इधर से, अगर मान लिया कि कोई अगर पेन है या यही मार्कर ही है, अगर हम इसको ऐसे न रखने के बजाय अगर ऐसे रखेंगे तो आपको एक बिल्कुल पॉइंट जैसा नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ऐसे ढेर सारा क्या है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी बी है, यानी कि ऐसा, यानी कि एक पॉइंट के जैसा। आपको पॉइंट नहीं समझना है, ये ऐसे है, बहुत सारा ऐसे, और ऐसा ऐसा बहुत सारा है। तो अगर आपको दिखाई देगा इधर से, अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नजर आएगा। तो पॉइंट का मतलब क्या है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। पॉइंट मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसा ऐसा बहुत सारा है, मान लिया कि बहुत सारा मार्कर को ऐसे ऐसे सटा दिया जाए तो पॉइंट नजर आएगा। तो पॉइंट का मतलब विद्युतीय क्षेत्र। अब इस पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट में इधर से विद्युतीय क्षेत्र है, ये देखिए एरो। यानी कि अभी इस भी को, ये लाइन को नहीं समझना है, ये लाइन जो गया है इसको नहीं समझना है। हम डॉट डॉट का मतलब क्या समझ रहे हैं? डॉट डॉट का मतलब हुआ ये डॉट है, वो डॉट क्या है कि बहुत सारा ऐसे 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 विद्युतीय क्षेत्र है हमारे तरफ, क्योंकि ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो हम नहीं दिखा सकते हैं, थ्री डायमेंशन बन जाएगा। इसीलिए पॉइंट का मतलब समझना है चुंबकीय क्षेत्र, और इसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र को ऐसे क्रॉस किया जा रहा है। इस क्यों? क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बने? 90 डिग्री का कोण बने, इसीलिए इसको ऐसे क्रॉस किया जा रहा है। इसका मतलब जो गोला घेरा गया है इसमें विद्युतीय क्षेत्र भी है ई, और चुंबकीय क्षेत्र भी बी है, जो बिल्कुल 90 डिग्री पे है। लेकिन
जो 90 डिग्री पर तो है ही है। अब इसमें हम लोग किसी आवेश को गतिशील कर रहे हैं, यानी कि इस केस में अब अगर कोई आवेश Q को क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, तो क्या होगा। तो चलिए इसी फिगर से हम ये यहां से निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि तीन कंपोनेंट होता है, तीन अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष में कौन दौड़ रहा है, तो एक्स अक्ष में भी यानी कि वेग दौड़ रहा है, वाई अक्ष में कौन सा, तो ई, और जेड जो कि मेरे तरफ है क्योंकि बोर्ड के परपेंडिकुलर है, मेरे तरफ आ रहा है, उसको दिखाया गया है बी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों का भी जो है एक्स अक्ष में है, ई यानी कि विद्युतीय क्षेत्र वाई अक्ष में है, और चुंबकीय क्षेत्र भी जेड अक्ष में है। और अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे तो इसको बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप और जेड एक्सिस को के कैप। तो फिगर बिल्कुल नोट कर लीजिए और उसके नीचे हम लोग अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसके आगे फार्मूला सिद्ध है, इसमें कोई टॉपिक सॉरी एरो नहीं है कि कुछ बात हम लोग लिख सके। तो फिगर के नीचे, ये दोनों फिगर के नीचे जो कुछ भी फार्मूला हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चूंकि दोनों क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो सबसे आप पहले आपको काम करना होगा विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए एफ इलेक्ट्रिक, एफ ईएल का मतलब क्या है, बल, किस में, इलेक्ट्रिक में यानी कि विद्युतीय बल। विद्युतीय बल कितना होता है, तो हम लोग पढ़े हैं क्यू ई वेक्टर, यानी कि Q और E को मल्टीप्लाई करेंगे तो F इलेक्ट्रिक मिलेगा। तो अब हम लोग Q, E और E जो है किस अक्ष में है, तो Y अक्ष में, और इसको J कैप बोलते हैं, तो E इंटू J कैप इसको लिख सकते हैं, तो Q, E, J कैप लिख दिया। अब ये विद्युतीय क्षेत्र के लिए हम काम कर चुके हैं, अब काम करना है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। अब अगर बात किया जाए चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो अब इसको लिखेंगे एफ एम जी, एफ एम जी का मतलब एफ मैग्नेटिक, एफ मैग्नेटिक, एम ए जी सॉरी, एफ एम ए जी लिखा हुआ है, एम ए जी का मतलब मैग्नेट, मैग्नेट मतलब चुंबकीय बल के लिए, इसको एफ एम भी दिखा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, ये होता है Q V क्रॉस B। अब इसके नीचे इज इक्वल टू Q, तो ठीक है भाई, V, तो V किस अक्ष में है, X अक्ष में, और X अक्ष के लिए कौन सा कैप, तो I कैप, तो यहां लिखाया V I कैप क्रॉस क्रॉस B। तो B जो है किस अक्ष में है, Z अक्ष में, Z अक्ष के लिए क्या कैप लिया जाता है, तो K कैप, तो इसको लिख दिया जाए B के कैप। तो टोटल Q को आगे निकालेंगे, V को आगे निकालेंगे, B को आगे निकालेंगे, तो यहां बच जाता है I क्रॉस K। और आपको फार्मूला जानना चाहिए, फार्मूला होता है एक, अगर आप 11th के वेक्टर में पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो I क्रॉस K का जो वैल्यू होता है वो माइनस J होता है, I क्रॉस K का वैल्यू माइनस J। तो यहां से लिख सकते हैं क्यू भी बी इंटू माइनस जे, यानी कि कुल मिलाकर क्या हुआ, तो माइनस, ये वाला माइनस आगे क्यू भी बी जे कैप, ये किसके लिए आया भाई, तो एफ एम ए जी के लिए, यानी कि एफ मैग्नेटिक का जो वैल्यू आया वो वेक्टर को लेकर कितना आया, तो माइनस क्यू भी बी जे, ये आया वैल्यू। चलिए अगर हम, अब चूंकि यहां पे तो 90 डिग्री है इसलिए आई कैप और जे कैप लिया गया है, और चूंकि इलेक्ट्रिक भी है, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो टोटल अगर टोटल निकालने के लिए एफ इलेक्ट्रिक और एफ मैग्नेटिक को ऐड कर देंगे, तो कुल मिलाकर उसके नीचे जो आप लोग लिखिएगा, पहले तो एफ इलेक्ट्रिक और एफ मैग्नेटिक का वैल्यू अलग अलग निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं कुल बल, कुल बल जिसको हम एफ बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो एफ इलेक्ट्रिक एफ मैग्नेटिक, और एफ इलेक्ट्रिक के नीचे क्या लिखेंगे, तो एफ इलेक्ट्रिक का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे क्यू ई जे कैप निकाले थे,
क्यू ई जे कैट और इसका वैल्यू निकाले थे माइनस क्यू वी बी जे कैट, ये हम लोग खुद से निकाल चुके हैं। और इसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो कॉमन जो होगा यहां से क्यू और जे कॉमन होगा, तो क्यू और जे कैट कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ई माइनस वी बी, क्यू और जे को कॉमन करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर होता है कैप, सॉरी वेक्टर नहीं, कैप जो होता है वो लास्ट में लिखा जाता है, जैसे 2i कैप + 3j कैप, तो i कैप पीछे लिखा जाता है, इसलिए j कैप को हम लोग अच्छा लगने के लिए e माइनस वी बी के अंत में लिखेंगे, ऐसा लिखा जाता है। ये आया मेरा कितना कुल बल का वैल्यू। तो याद रखिए, यदि हम लोगों का अगर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों अगर परस्पर लंबवत रहते हैं तो टोटल बल का वैल्यू कितना होता है, तो क्यू ई माइनस वी बी। अब उसके बाद एक केस आता है, वो कौन सा केस, यदि कुल बल शून्य हो या शून्य विक्षेप हो, या कहीं कहीं सवाल आता है कि शून्य विक्षेप हो, तो शून्य विक्षेप की स्थिति में हम लोग काम क्या करते हैं, यदि उसके नीचे एरो दे ही दीजिएगा, विक्षेप हो तो एफ का वैल्यू कितना लेते हैं, जीरो लिया जाता है। यानी कि ये कुछ अलग केस है कि यदि कुल बल शून्य हो जाए, यानी कि ये वाला एफ का वैल्यू जीरो हो जाए, या फिर सवाल बोलेगा कि शून्य विक्षेप का है, तो शून्य विक्षेप का मतलब क्या, तो शून्य विक्षेप का मतलब होता है कि एफ का वैल्यू कितना, जीरो। तो अगर इस केस में एफ का वैल्यू जीरो हो जाए तब हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसके नीचे लिखना है, तो एफ बराबर जीरो, तो उसके नीचे लिखेंगे चूंकि एफ इज इक्वल टू क्यू ई माइनस वी वी इंटू जे कैप, और हमें एफ का वैल्यू कितना रखना है, जे। अभी हम फॉर्मूला प्रूफ किए, अब हमको एफ के जगह पे जीरो रखना है, किसके लिए, तो शून्य विक्षेप के लिए। तो अब हम लोग यहां पे एफ का वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो एफ के जगह पे जीरो क्यू ई माइनस वी वी जे का। अब यहां पे चूंकि जीरो है और क्यू यहां पे गुना है, जे भी गुना है, तो क्यू और जे इधर जाएगा, तो जीरो बटा क्या होगा, क्यू और जे कैप गुना में चल जाएगा, इधर क्या बचेगा, ई माइनस वी बी। यदि जीरो में किसी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, जीरो। जीरो में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं हमें जीरो प्राप्त होता है, और यहां बन गया ई माइनस वी बी, ई माइनस वी बी। और यहां से अगर वी बी लेफ्ट साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, वी बी इक्वल टू ई। और अगर यहां से अगर वैल्यू अगर पता चलेगा भी का कि कितना वेग होगा, तो ई बटा बी। तो अगर हमें सवाल पूछेगा, क्या क्या पूछे वो ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, तो वेग है, और ई क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। याद रहे दोस्तों, विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। अगर गाउस में देगा तो टेस्ला में चेंज कर लेंगे, राइट, और हमें भी निकल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये तो प्रूफ हुआ ना, और इस टॉपिक में क्या था टॉपिक, कि लंबवत कौन कौन सा, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र अगर लंबवत रहेगा तो उसमें गतिशील आवेश पर गति कितनी होगी, गतिशील आवेश को अगर गतिशील किया जाए किस केस में, तो इसी केस में, किस केस, तो लंबवत में रहना चाहिए विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अगर ऐसा रहता है तो हमें कितना गति प्राप्त होगा, कितना वेग होगा, वो हमें निकालना था। तो सपोज हम लोग ये किए कि इसमें एक भी कोई एरो नहीं था, इसमें सिर्फ फार्मूला सिद्ध था, फार्मूला मैंने सिद्ध कर लिया है और आपको भी समझ में आया होगा। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर कोई केस विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अगर लंबवत मिलेगा तो हम लोग दो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कौन कौन सा चीज है, पहला कुल बल कितना होगा और कितना उसका वेग होगा। तो अगर
दोनों में एफ का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो डायरेक्ट क्यू ब्रैकेट में ई माइनस वी बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जे तो कंपोनेंट है ना, ये तो दिखा रहा है कि जेड वाई एक्सिस में एफ का वैल्यू होगा, तो ये हमारे लिए कारगर नहीं है, जे का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। जे बताता है दिशा कि किस दिशा में बल निकल रहा है, तो जे जे का मतलब वाई दिशा, वाई अक्ष में निकलेगा, तो अगर हमें कुल बल बोलेगा तो आप बिल्कुल सीधा सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्यू ब्रैकेट में ई माइनस वी बी, जहां क्यू मतलब आवेश, दो कूलम्ब चार कूलम्ब जो भी रहेगा, ई विद्युत क्षेत्र वोल्ट पर मीटर में रहेगा, वेग मीटर पर सेकेंड में रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में रहेगा। याद रहे अगर गाउस देता है तो गाउस को हम लोग टेस्ला में चेंज करने के लिए 10 के पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि वेग पूछेगा तो विद्युतीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, कि अगर कुछ विद्युतीय क्षेत्र दिया रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, तो हम लोग वेग फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क्स में लिखेंगे, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए। टेन के पावर फोर कूलम्ब का आवेश, टेन के पावर फोर कूलम्ब के आवेश, टेन के पावर फोर कूलम्ब के आवेश को 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 10 के पावर 10 वोल्ट पर मीटर के विद्युतीय क्षेत्र, 10 के पावर 10 वोल्ट पर मीटर के विद्युतीय क्षेत्र और 10 के पावर 6 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कराया जाता है, गतिशील कराया जाता है, पूर्ण विराम, यदि यदि ये दोनों क्षेत्र, यदि ये दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत हो तो, परस्पर लंबवत हो तो, परस्पर लंबवत हो तो परस्पर लंबवत हो तो उस आवेश का वेग ज्ञात करें, उस आवेश का वेग ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन हुआ। और दूसरा क्वेश्चन में सब कुछ वही लिखेंगे, सब कुछ वही, लेकिन उस आवेश का, उस आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें, बल ज्ञात करें, यानी पहला वाला सवाल बोल रहा है क्या, उस आवेश का वेग ज्ञात करें, दूसरा वाला सवाल में शुरू से लेकर अंत तक वैसा ही लिखना है, लेकिन अंत में उसको चेंज कर देना है, उस आवेश पर लगने वाले बल ज्ञात करें या बल का मान ज्ञात करें, ये लिखना है सवाल में। तो आपको इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना है, चेंज वो है कि यहां पर सवाल क्या बोल रहा है कि उस आवेश का गति निकालना है, जबकि दूसरा वाला सवाल में क्या है, उस आवेश पर लगने वाला बल निकालना है, मतलब एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए, दो क्वेश्चंस आपका बॉक्स में दिया गया है, आप ये जो क्वेश्चन बोले हैं उसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है क्वेश्चन को, और फिर वहां से ये निकालना है कि किस चीज, किस किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है, पहले ये निकालेंगे कि दिया है किसका किसका मान और क्या निकालना है, जो चीज निकालना है उसका हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि उसका वैल्यू क्या है। तो पहला सवाल में वी निकालना है, ई का वैल्यू दिया है 10 के पावर 10 और बी का वैल्यू दिया है 10 के पावर 6 टेस्ला, तो डिवाइड कर देंगे और वी का वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन दूसरा वाला सवाल में उस आवेश पर लगने वाला बल निकालना है, तो बल का वैल्यू निकालना है, क्यू का वैल्यू दिया है कूलम्ब में, ई का वैल्यू दिया है वी, वी कौन सा भाई, तो ये वाला भी जो निकालेंगे ना पहला सवाल से, ये वेग वो वाला यहां पुट करेंगे और बी का वैल्यू 10 के पावर 6 दिया है, यानी कि दूसरा वाला सवाल में आपको भी वाला जो वैल्यू रहेगा उसको यहां पे पुट करना है। तो मुझे आशा है कि ये दोनों क्वेश्चंस का
आप सही सही आंसर बनाएंगे और आप अगर बना लेंगे तो मेरे को सेंड करेंगे, हम खुद देखेंगे, जिसका सही होगा करेक्ट बोलेंगे, गलत होगा फिर से आप पुनः प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।